नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य मोहन गर्ग, डर्मेटोसर्जन एवं कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आलोक हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं, जो कि कोटा में स्थित है। आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिससे आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ किशोर अवस्था में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ किशोर अवस्था में नहीं, इवन अडल्ट्स में भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि हाँ, 70-80% के केसेस अधिकतर यंग अडल्ट्स यानी कि किशोरावस्था में होते हैं, जो कि 15-30 साल की उम्र में पाए जाते हैं। 30 साल से ज़्यादा की उम्र में ये प्रॉब्लम 10-15% मिलती है। और ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये है एक्ने वल्गैरिस, यानी कि कील मुहासे चेहरे के। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके कुछ मिथक एवं तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है कि हमें ऐसा महसूस है कि जिनकी स्किन ऑयली है सिर्फ उनको एक्ने या फिर ये कील मुहासे होते हैं, लेकिन ये एक मिथक है। ये ड्राई स्किन यानी कि सूखी त्वचा में भी हो सकता है। सेकंड थिंग, अधिकतर ये नोटिस किया गया है कि पिंपल्स या फिर जब भी इस तरह के कील मुहासे होते हैं तो उन्हें फोड़ देने से वो निकल जाता है और जल्दी ठीक होता है, लेकिन ये एक काफ़ी गलत धारणा है। इसमें क्या होता है कि अपन जब भी एक पिंपल को फोड़ते हैं तो वो उसका जो भी अंदर का खराब मटेरियल है वो स्किन में अंदर चला जाता है, और इस वजह से वो इन्फ्लेमेशन और बढ़ा देता है, सूजन बढ़ा देता है, जिससे निशान और स्कार्स पड़ना आम हो जाता है। अगली चीज़, जो कील मुहासे हैं एक्ने, वो अलग अलग चेहरे के हिस्सों पे अलग अलग कारणों से होते हैं। यानी कि अगर ये आपको महसूस हो रहा है कि आपके माथे पे ज़्यादा है तो वो तेल की वजह से, ऑयली स्किन की वजह से, या फिर आपके बालों में कोई प्रोडक्ट आपने लगाया उसकी वजह से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये आपको नाक पे और भौहों पे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है इस जगह की, जिसे हम टी जोन ऑयलीनेस भी बोलते हैं। तीसरी चीज़, अगर ये आपको जबड़े के आसपास ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं। अगला, अगर आपको ये मुंह के आसपास हो रहे हैं या फिर चीक्स पे यानी कि गालों पे ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो किसी प्रोडक्ट की वजह से हो रहे हैं या फिर गलत सफाई की वजह से हो रहे हैं। कॉस्मेटिक्स के यूज़ से ज़्यादा अपने एक्ने होते हैं, ये बिल्कुल सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपने एक्ने छुपाने के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स से भी एक्ने होता है, जिसे हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है एक्ने कॉस्मेटिका। तो आप जब भी किसी कॉस्मेटिक का यूज़ करें, हमेशा कोशिश करें कि वो कोमेडोजन फ्री हो, ऑयल फ्री हो, मैट फिनिश हो, जिसमें इस तरह का पोर ब्लॉकेज वाला कंपोनेंट ना हो। स्क्रब्स यानी कि फेस वॉश जिनमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे सफाई करने से क्या हमारे एक्ने बढ़ सकते हैं या साफ़ होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये एक्ने बढ़ाने का कारण है। ये इससे एक्ने बढ़ता है, ना कि कम होता है। हमें ऐसा महसूस होगा कि हो सकता है हमारी स्किन साफ़ हो रही है तो इस वजह से एक्ने क्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी स्किन के ऊपर जो एक्ने, जो डर्ट है, गंदगी है, उसे साफ़ करने का स्क्रब इलाज नहीं है, उसको साफ़ करने का तरीके और हैं, जिसमें हमें फोम या फिर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज यूज़ करने चाहिए। चलिए अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं कि एक्ने का कारण हमें पता चल सके। एक्ने का कारण हो सकता है हमारे हार्मोन्स हों। हार्मोन्स अधिकतर इस 15-30 साल की उम्र में ऊपर नीचे काफ़ी चलते हैं, जिस वजह से हमें कभी तो कील मुहासे ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, कभी मोटे होके लाल बन जाएंगे या फिर कम होके जिसे हम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बोलते हैं वो बन जाएंगे। तो हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट की तरफ ना देखते हुए ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनका रिकमेंडेड होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये हमें स्ट्रेस या फिर नींद की कमी या पानी की कमी बॉडी में, उससे भी हो सकते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स इंक्रीज होते हैं और उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, पानी की कमी जब शरीर में होती है तो वो स्किन में भी रिफ्लेक्ट होती है। पानी की कमी से हम स्किन की हीलिंग पावर कम होती है, उसमें टॉक्सिन क्लियरेंस का कम होता है। इस वजह से हमें पानी की मात्रा अच्छी लेनी चाहिए, जो कि कम से कम 3 से 3.5 लीटर रिकमेंडेड है। तीसरी चीज़, हम जितना नींद की कमी करेंगे शरीर में, उससे स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में, टॉक्सिक केमिकल्स जिसके बारे में अपन ने बात करी वो बढ़ते हैं। तो नींद अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 7 से 8 घंटा कम से कम।
अगला कारण जो कि कील मुहासों को बढ़ाता है वो है धूप का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर। धूप के से क्या होता है, स्किन हमारी रंग पकड़ती है, कमज़ोर होती है और उस पर एज रिलेटेड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। एक हमें ऐसी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली अपनी स्किन के लिए सूटेड हो और एक्ने प्रिवेंशन में हेल्प करे। अब मैं कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स बताता हूँ जिससे एक्ने हम कम भी कर सकते हैं और आने वाले टाइम पर बचा भी सकते हैं कि ना हो। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इस तरह के एंटीबायोटिक्स लेने ज़रूरी हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किए हों। जो क्या करते हैं, जो हमारे स्किन पे मौजूद बैक्टीरिया जो कि एक्ने का एक कारण होते हैं उसको ख़त्म करते हैं और कम करते हैं। अगली चीज़, एक्ने हो क्यों रहा है, क्योंकि बाल जो अपनी स्किन पे है उससे एक ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड। उसमें जब ज़्यादा सीबम बने, पोर का ब्लॉकेज हो जाए और इन्फेक्शन एडेड हो जाए, इस वजह से एक्ने होता है। तो हमें इन तीनों चारों चीज़ों को कंट्रोल में करना है। अगला, अब इसमें हमें कई तरह के केमिकल पील्स होते हैं जो कि चमड़ी पे जब लगाए जाते हैं तो वो पोर्स को ओपन करते हैं, क्लीनिंग में हेल्प करते हैं और सीबम के प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। तो इस तरह के केमिकल पील्स हमें करवाने चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। अगर कोई सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है तो वो भला ही चाहता है आपका। आखिरी में मैं एक ऐसे ट्रीटमेंट की बात करूँगा जो तब यूज़ करना चाहिए जब एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, बड़े बड़े नोड्यूल्स बन गए हों और खुजली काफ़ी हो, परेशानी जिसमें ज़्यादा बढ़ गई हो, वो है रेटिनॉइड थेरेपी। रेटिनॉइड थेरेपी दो तरीके से हो सकती है, जिसमें अपन खाने की गोली भी होती है और लगाने के मलहम भी होते हैं। तो खाने की गोली अति जब बढ़ चुकी है एक्ने की तब यूज़ किया जाता है और वो मदद करता है हमारे नए स्किन के फॉर्मेशन में, और पुरानी स्किन जिसमें एक्ने या कील मुहासे ज़्यादा हैं उनको निकालने में मदद करता है और नई स्किन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है जिसमें एक्ने का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ऐसे ट्रीटमेंट हमेशा एक सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर में ही लेना चाहिए। अपने आप कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट ना लें मेडिकल से जाके, अन्यथा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको भी एक्ने का प्रॉब्लम है, आप हमेशा एक ज़रूर कंसल्टेशन करें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, जिससे आपकी प्रॉब्लम का जड़ से निजात हो सके। शुक्रिया।